छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे कम होने लगा है। भूपेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग समेत कोरोना वॉरियर्स की मेहनत रंग लाने लगी है। अगर 3000 कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं तो करीब 9000 मरीज कोरोना को मात दे रहे हैं। कोरोना टीकाकरण भी जारी है, लेकिन टीका नहीं मिलने के कारण वैक्सीनेशन धीमी गति में है। इसी को लेकर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण वैक्सीनेशन प्रभावित हुआ। इस दौरान रविन्द्र चौबे ने कहा कि केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं भारत के विभिन्न राज्यों में भी टीकाकरण बंद हो गया है। टीकाकरण अगर राज्यों का मसला है तो केंद्र सरकार को यह तय करना चाहिए कि संपूर्ण टीकाकरण की जवाबदारी राज्य को दें। 35,000 करोड़ के पैकेज के बारे में केंद्र सरकार को अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए। डेस्क रिपोर्ट, समय न्यूज। सारे हिंदुस्तान में सरकार की गलत नीतियों के कारण वैक्सीनेशन प्रभावित हो रहा है। ये केवल छत्तीसगढ़ की स्थिति नहीं है, हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली में भी लगभग अधिकांश जगहों में टीकाकरण बंद हो गया है। केंद्र सरकार को तय करना चाहिए कि टीकाकरण यदि राज्यों का मसला है तो संपूर्ण टीकाकरण की जवाबदारी और टीका मंगाने की जो नीति है ये कोविड के प्रोटोकॉल से बाहर करके राज्यों को सौंप देना चाहिए। 35,000 करोड़ के पैकेज के बारे में भी केंद्र सरकार को अपनी राय स्पष्ट करना चाहिए कि अगर 35,000 करोड़ का पैकेज केवल 45 साल की उम्र से ऊपर वालों का है तो 18 से 45 के लिए केंद्र सरकार के पास कोई धनराशि है या कोई धनराशि नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी हमारे ऑर्डर करने के बाद भी कोविड शील्ड और को वैक्सीन के जो डोजेज हैं छत्तीसगढ़ को जितना मिलना चाहिए वो छत्तीसगढ़ को नहीं मिल पा रहा है। तो ये स्थिति न केवल छत्तीसगढ़ में है, ये भाजपा शासित राज्यों में भी है और केंद्र सरकार जहां बैठी हुई है दिल्ली में भी है। तो ये वैक्सीनेशन की नीतियों को केंद्र सरकार को फिर से परिमार्जित करना चाहिए, अन्यथा देश में वैक्सीनेशन नहीं होने का पूरा दोष अगर किसी का है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का और केंद्र सरकार का। पूर्व स्वास्थ्य